फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं आपके साथ इन छोटी छोटी चीजों से क्या शेयर करने वाली हूँ। आज का जो स्पेशल एपिसोड है उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी माइक्रोवेव की कुछ हैंडी टिप्स, यूजफुल टिप्स जिसे आप रोजमर्रा के खाने में यूज कर सकते हैं और अपनी कुकिंग को आसान बना सकते हैं। वैसे तो माइक्रोवेव की जनरल टिप्स सभी को मालूम है, लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत हेल्प करेगा बिगनर्स के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो माइक्रोवेव की जनरल ये चीजें नहीं जानते हैं। तो रोजमर्रा के काम को आसान बनाने के लिए आप माइक्रोवेव का बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने यहाँ ली है फ्रेश करी लीव्स यानी करी पत्ता। करी पत्ते को हमें स्टोर करना चाहते हैं हम ज्यादा दिन के लिए ड्राई करके, तो उसके लिए आपको धूप में सुखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में जो ये कांच वाली प्लेट होती है इस पर आप ये करी पत्ते की लीव्स को डालते हैं। एक बार करी पत्ते की लीव्स को आप पानी से धो लें और टॉवल से ड्राई कर लें, और उसके बाद जब पानी हट जाए उसका तब आप इसको माइक्रोवेव में इस तरह से प्लेट पर डालें। लगभग 3 मिनट के लिए हम इसको माइक्रोवेव करेंगे। तो मैं लगा देती हूँ टाइम 3 मिनट का। लगभग 3 मिनट में ये हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका, 3 मिनट में करी पत्ता बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर आप उसको लंबे समय के लिए एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो लगभग 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया ये क्रिस्प हो गई है। मैं प्लेट पर इसको निकाल लेती हूँ और ये देखिए कितनी जल्दी कितनी बढ़िया हमारी ड्राई हो गई ये करी लीव्स। अब आप हल्का सा इसको ठंडा होने दें और एक एयर टाइट जार में भर करके रख लें, और जब मन चाहे आप जब भी साउथ इंडियन डिशेस बनाएं इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यूज करेंगे मेथी के लिए। ये मैंने ली है फ्रेश मेथी। पानी से अच्छी तरह धो लीजिए, कपड़े से पोंछ करके जब इसका पानी हट जाए तब हम मेथी को इसमें रखेंगे इसकी प्लेट पर और इसको ड्राई करेंगे। और आप जानते हैं इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा कसूरी मेथी, जो आप बहुत सारी नॉर्थ इंडियन डिशेस में डालते हैं जिससे खाने का स्वाद इतना बढ़ जाता है। ये इससे आप ड्राई कर लें कसूरी मेथी को। इसी तरीके से हरा धनिया, पुदीना, सभी चीजें ड्राई की जा सकती हैं। तो अब कसूरी मेथी के लिए हम सिर्फ इस तरीके से मेथी को रख देंगे और इसको भी लगभग 2.5 से 3 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव करेंगे। मेथी भी ड्राई हो गई है, चेक कर लेते हैं। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया ड्राई मेथी तैयार है। इसी को कसूरी मेथी कहा जाता है। और इसको आप चूरा बना करके हाथ से ही, जब ये ठंडी हो जाए आप भर करके रख लें। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ इसको भी। देखिए कितना बढ़िया कसूरी मेथी तैयार हो गई, ये देखिए। तो इसी तरीके से आप और भी पुदीने वगैरह को भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो बहुत ही काम की चीज है। ये आप देख सकते हैं ब्रेड स्लाइसेस जिन्हें मैंने कट कर लिया है। हम जनरली इस तरीके के क्रूटॉन्स डालते हैं सूप में, टोमेटो सूप में जब हमें डालना होता है तो हम डीप फ्राई करते हैं। अगर आपको डीप फ्राइंग नहीं चाहिए आप इस तरीके से ब्रेड के स्लाइसेस कर लें और इसको माइक्रोवेव वाली प्लेट पर हम डाल देंगे। यहाँ हम इससे 2 चीजें कर पाएंगे। एक तो क्रूटॉन्स तैयार हो जाएंगे हमारे सूप के, दूसरा जब ये बिल्कुल करारे हो जाएंगे और आपको ब्रेड क्रम्ब की जरूरत है तो आपको मार्केट से नहीं खरीदने पड़ेंगे। इन्हीं क्रूटॉन्स को आप जो है मिक्सी में बारीक कर लें और क्रम्ब्स आपके इंस्टेंटली तैयार हो जाएंगे। तो मैं क्रूटॉन्स को बनाने के लिए स्विच ऑन कर रही हूँ माइक्रोवेव लगभग 3 मिनट के लिए। तो चलिए क्रूटॉन्स को भी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल करारे हमारे बन करके तैयार हैं। मैं इसको एक बोल में निकाल लेती हूँ। देखिए कितने बढ़िया क्रूटॉन्स तैयार हुए हैं। बिना ही ऑयल के आप इन्हें करारा तैयार कर सकते हैं। अगर आपको क्रम्स बनाने हैं तो जैसे मैंने बताया थोड़ा ठंडा होने के बाद आप मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लें और इसके तुरंत ही क्रम्ब तैयार हो जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने करारे हो गए हैं। अब जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ वो है कि आप सूजी को कैसे रोस्ट करें। सूजी को रोस्ट करना बहुत ही आसान है। खास बात माइक्रोवेव में रोस्ट करने की ये होती है कि जल्दी तो होती है साथ के साथ बिल्कुल इवन रोस्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं से ज्यादा जल गई या कहीं से कम हुई है, बिल्कुल बराबर ये बढ़िया भुन जाती है। तो उसके लिए आप एक प्लेट पर सूजी को डालें और डाल करके इसकी माइक्रोवेव प्लेट पर रख दें और सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको गर्म करेंगे। 1 मिनट हो गया है,
चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, उपमा वगैरह बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ये ड्राई रोस्ट हो गई। खास बात एक और है इससे रिलेटेड, अगर आप सूजी को लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप सूजी को इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर ले माइक्रोवेव में, उससे इसमें बिल्कुल कीड़ा नहीं लगेगा और सूजी खराब नहीं होगी। ठंडा हो जाने पर आप एक एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख लें और ये बिल्कुल बढ़िया एकदम रोस्ट हुई है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट आती है मूंगफली। सभी को रोस्टेड मूंगफली बहुत पसंद होती है। इसके लिए आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइक्रोवेव में हम 3 मिनट के लिए इसको डालेंगे और ये बहुत बढ़िया रोस्ट हो जाएंगी। तो हम वही माइक्रोवेव प्लेट पर मूंगफली को डाल देंगे, माइक्रोवेव को 3 मिनट के लिए ऑन करेंगे और ये देखिए कितनी बढ़िया मूंगफली भुनी है आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितनी इजीली आप इनका छिलका आराम से ये हट रहा है। तो इस तरीके से आप बढ़िया मूंगफली रोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मसालेदार मूंगफली खानी है रोस्टेड, तो बस इसके ऊपर आप हल्का सा ऑयल या घी लगाएं और मसाले डालें जैसे चाट मसाला वगैरह, और आपकी मसालेदार मूंगफली करारी करारी तैयार है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये मूंगफली रोस्ट करने का। अब मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ पापड़ का, कि आप पापड़ माइक्रोवेव में कितनी आसानी से बहुत बढ़िया रोस्ट कर सकते हैं और दोनों ही तरीके के फ्लेवर पा सकते हैं, रोस्टेड भी और जो आप ऑयल में तलते हैं वो फ्लेवर भी आपको मिल जाएगा। तो मैं दो तरीके से आपको पापड़ इसमें बनाकर दिखाती हूँ। हम एक पापड़ लेंगे, कोई भी पापड़। पापड़ को हम माइक्रोवेव प्लेट पर इस तरह रख देंगे। तो 1 मिनट 30 सेकंड्स के लिए मैं इसको सेट करती हूँ। तो चलिए पापड़ चेक कर लेते हैं। वाव, देखिए कितना बढ़िया ड्राई रोस्टेड पापड़ तैयार हो गया बगैर गैस जलाए। माइक्रोवेव में बहुत ही बढ़िया पापड़ सिक जाते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। अब हमें चाहिए फ्राइंग वाले पापड़ का टेस्ट, तो आप पापड़ लीजिए और पापड़ पर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे इस तरीके से, बहुत ही लाइटली स्मेयर करिए, ये आपको बिल्कुल फ्राइंग पापड़ का टेस्ट देगा। तो अब मैं इस पापड़ को भी इस प्लेट के ऊपर रख दूंगी और लगभग 1 मिनट के लिए हम इसको सेट करेंगे। 1 मिनट हो गया है, पापड़ को चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए कितना बढ़िया आपका बिल्कुल डीप फ्राइंग जैसा पापड़ तैयार हो गया। ठंडा होते ही ये आप देखिए बहुत ही बढ़िया आपको टेस्ट में लगेगा। जो नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ कि आप ड्राई फ्रूट्स कितने बढ़िया भून सकते हैं इसमें, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इसके लिए आप इनको ड्राई भी भून सकते हैं। मैं इनके ऊपर हल्का सा घी लगा देती हूँ। इस तरीके से हम थोड़ा सा घी इसके ऊपर डालेंगे और हाथ से इसको हल्का सा इस तरीके से सब तरफ स्प्रेड कर देंगे। तो ये आपके बिल्कुल बढ़िया वाले बाजार जैसे रोस्टेड तैयार हो जाएंगे जैसे बाजार में मिलते हैं। अब माइक्रोवेव प्लेट पर काजू को इस तरह से डाल देंगे, स्प्रेड कर देंगे। मैं बादाम भी यहीं डाल देती हूँ। आप चाहे तो बिना घी के भी इसको तैयार कर सकते हैं। और अब हम माइक्रोवेव स्विच ऑन करेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए कितने बढ़िया काजू और बादाम आप देख सकते हैं रोस्ट हुए हैं। अब इसके ऊपर सिर्फ काली मिर्च पाउडर और नमक डालिए और आप इंजॉय कीजिए। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से आप सौंफ को भी भून सकते हैं। चुटकियों में सौंफ तैयार हो जाती है। अगर आपको माउथ फ्रेशनर बनाना है तो बस आप प्लेट पर सौंफ को डालिए, स्प्रेड कीजिए इस तरीके से फैलाइए और लगभग 2 मिनट के लिए हम ऑन करते हैं। चलिए सौंफ को चेक कर लेते हैं। वाओ, बहुत ही बढ़िया देखिए रोस्ट हो गई है। मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सौंफ भुन गई है। अब आप अपने मनपसंद चीजें डाल करके माउथ फ्रेशनर बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टिप है वो है कि हम टमाटर की स्किन आसानी से कैसे हटाएं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है टमाटो ब्लांच करने का, कि आप माइक्रोवेव में बहुत आसानी से ब्लांच कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी माइक्रोवेव बोल ले लें और टमाटर पर इस तरीके से क्रॉस बनाएं, आधा आधा। मेरे पास बड़ा बोल है तो मैं उसी में रख देती हूँ और इसका ढक्कन इस तरह लगा दें। अब माइक्रोवेव में हम इसको इस तरह रख देंगे। अब मैं माइक्रोवेव को स्विच ऑन करूंगी 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो गए हैं, टमाटर को चेक कर लेते हैं।
और ये देखिए कितना बढ़िया ये टमाटर ब्लांच हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से अब आप इसकी स्किन को इजीली देखिए रिमूव कर सकते हैं। कितना बढ़िया ये तैयार हो गया। और स्किन हटा करके आपको जो भी ग्रेवी तैयार करनी है आप ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। आप चाहे एक टमाटर हो या आप इसमें बहुत सारे एक साथ रख करके भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इन छोटी छोटी टिप्स को अपनाकर अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो आप अपने कुकिंग टाइम को बचा सकते हैं और जो प्रिपरेशन टाइम होता है वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही जल्दी मिनटों में माइक्रोवेव में कर सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया आपको बादाम रोस्ट का, काजू का, सौंफ का, हमने ब्रेड के क्रूटॉन्स बनाए, इसी से आप ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप आलू बहुत जल्दी बॉइल कर सकते हैं। अगर आप बैचलर हैं और आपको जल्दी चावल बनाने हैं तो चावल भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो बहुत सारे काम आप माइक्रोवेव में बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमेशा की तरह लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। और इसी तरीके की नई नई अप्लायंसेस और जो भी किचन अप्लायंसेस होती हैं उनके क्या क्या हैंडी और कमाल के यूजेस होते हैं मैं आपको बताती रहूंगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में।